हेलो दोस्तों, एविल एनिग्मा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों को अक्सर कई पेंटिंग पसंद आती है। उसमें से कुछ तो इतनी अच्छी होती है कि जिसमें ऐसा लगता है कि पेंटर ने अपनी सारी इमेजिनेशन को सर्च करने के लिए ही उस पेंटिंग को बनाया हो। आज हम आपको एक ऐसी हॉन्टेड पेंटिंग की बात बताएंगे जिसकी कई कहानियाँ प्रचलित हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ईबे हॉन्टेड पेंटिंग। ये पेंटिंग बिल्सोन हैम ने 1972 में बनाई थी। जिसने इस पेंटिंग को बनाते समय ये सोचा था कि शायद ये पेंटिंग अंधेरे का दृश्य दिखाएगी जिससे लोग उस दुनिया को जान सकेंगे। पेंटर के हिसाब से ये पेंटिंग ये दर्शाती है कि एक यंग बॉय और उसके साथ ही एक मनहूस सी फीमेल डॉल खिड़की के आगे खड़े हैं, जिसमें पीछे से बहुत सारे हाथ दिख रहे हैं। इस खिड़की के हिसाब से ये खिड़की बीच की बाउंड्री है, जिसके उस पार एक काली दुनिया है और इस पार एक अच्छी दुनिया है। पर दोस्तों, उस पेंटर को ये नहीं पता था कि शायद आगे जाके ये पेंटिंग एक हॉन्टेड पेंटिंग का रूप ले लेगी। इस पेंटिंग का सिलसिला तब शुरू हुआ जब सन 2000 में किसी अज्ञात व्यक्ति ने इस पेंटिंग को ईबे पर सेल करने के लिए पब्लिश किया था। इस पेंटिंग को हैंड रेजिस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस पेंटिंग में कई सारे हाथ दिखाए गए हैं। इस पेंटिंग को कैलिफोर्निया के एक कपल ने खरीदा था, जिनका दावा था कि पेंटिंग के बाद से ही उनको नेगेटिविटी का एहसास होता है। उन्होंने कई बार इस पेंटिंग के पात्रों को घूमते हुए देखा है, लेकिन उसे वहम मानकर वो इतना जोर नहीं देते थे। उन्होंने ये भी बोला था कि अगर इस पेंटिंग को ज़्यादा स्टेयर किया जाता था तो अपने आप को वो लोग बीमार महसूस करने लग जाते थे। इन सब घटनाओं को वहम मानकर उन्होंने इस पेंटिंग को वहीं टंगे रहन दिया जहाँ पर वो टंगी हुई थी। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिनकी उम्मीद उन्हें कभी नहीं हुई थी। उनके घर कुछ मेहमान आए थे और उस मेहमान को दर्शाने के लिए इस पेंटिंग को दिखाया गया, पर अचानक से ही ये पेंटिंग के सारे पात्र गायब हो गए। सिर्फ खिड़की ही दिख रही थी, जो कि काफ़ी हैरतअंगेज बात थी। इससे वो लोग काफ़ी डर गए और उन्होंने ये फैसला किया कि अब इस पेंटिंग को हम अपने पास नहीं रखेंगे। उस कपल ने इस पेंटिंग को आगे एक पेंटिंग गैलरी के ओनर को भेज दिया, जिसे काफ़ी पेंटिंग्स रखने का शौक था, पर उसे ये नहीं पता था कि ये पेंटिंग्स रखना उसको बहुत भारी पड़ेगा। उस पेंटिंग के सेकंड ओनर ने ये दावा किया कि इस पेंटिंग में से बड़ी क्रीपी आवाज़ें आती हैं, इस पेंटिंग में कुछ तो मिस्टीरियस है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसने पैरानॉर्मल सोसाइटी में इसकी कंप्लेंट कर दी। सेकंड ओनर को पेंटिंग्स का बड़ा शौक था और उसने ये सोचा कि शायद इस पेंटिंग में ही गड़बड़ है, पर अगर इस पेंटिंग की फ़ोटोज़ खींच ली जाए और उसे प्रिंटर में से प्रिंट आउट करके निकाला जाए तो शायद ये पेंटिंग को वो अपने पास रख सकता है। और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। लेकिन जब वो इस पेंटिंग की स्नैप्स को प्रिंटर में से निकाल रहा था तो अचानक से ही वो प्रिंटर रुक गया, और जब किसी और पेंटिंग की पिक्चर्स को निकाला गया तो वो नॉर्मल वर्क कर रहा था। इस चीज़ को कम से कम 4-5 बार ट्राई किया गया, पर रिजल्ट वही आ रहा था। अब तक इस पेंटिंग की मिस्ट्री को कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है और आज की डेट में इस पेंटिंग को स्मिथ्स गैलरी में रखा हुआ है। उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ इंस्टा पर भी हमें फॉलो करें, ताकि आप लोगों को मिस्टीरियस फैक्ट्स भी मिल सकें।